हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। बेटा ये थर्ड लेक्चर है हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का। हमने ऑलरेडी दो लेक्चर में फेजेस ऑफ सेल साइकिल और माइटोसिस को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम मियोसिस की डिटेल पढ़ेंगे और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मे भी एक दो दिन का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है, बट वी विल फिनिश ऑन टाइम। क्लियर, हम प्रॉपरली सब कुछ करा लेंगे। ये मुझे पता है इसकी किस तरीके से इसको लेना है। दूसरी बात, आप में से जो लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो दो तीन चीज दिमाग में याद रखो कि हम क्या शेड्यूल से पढ़ा रहे हैं। पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन, फिर मैं आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट आप शेड्यूल याद रखें कैसे जा रहे हैं, लेक्चर को फॉलो करें कि प्रॉपरली आप सारा कुछ देख लें, एनसीईआरटी पढ़ें और उसी के हिसाब से जो लेक्चर के नोट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आपको ऐप में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले लोगे। ये चीज क्लियर है, ऐप में जाकर आप नोट्स ले सकते हो और उनसे आप नोट डाउन करके प्रॉपरली सारा कुछ बना लेंगे। ये चीज समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जब हम माइटोसिस करते हैं तो जो दो सेल बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जो दो डॉटर सेल बनते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। क्या मियोसिस में ऐसा कुछ होता है, या हमें मियोसिस की नीड क्यों है? व्हाई वी रिक्वायर अनदर डिवीजन जिसका नाम क्या है मियोसिस, हमें क्यों चाहिए मियोसिस, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मियोसिस से। हमारा जो थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। क्लियर, तो इसमें हम देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जरा कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। हम मियोसिस की नीड पे बात कर रहे हैं, मियोसिस की नीड पे बात कर रहे हैं, व्हाई वी रिक्वायर मियोसिस। ध्यान से सुने, बिल्कुल फोकस करके ध्यान से सुनो बेटा। देखो, क्लास टेंथ में रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। याद करो, जिनको याद आए बेटा, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या था? वेरिएशन नेचर में चाहिए ना एवोल्यूशन के लिए, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन वॉज प्रॉब्लम इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, प्रॉब्लम इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम को हम कहते थे, मैकेनिज्म में प्रॉब्लम को हम कहते थे कि हाँ, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है। मतलब जब हम एक सेल से, ये एक सेल है, इसका ये डीएनए है, जब इस सेल के डीएनए की कॉपी बनाते थे बेटा, जब हम इस सेल के डीएनए की कॉपी बनाते थे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कॉपी बनाते थे, देख रहे हो आप, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, प्रॉब्लम मींस कि उसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाती थी तो हम ये कहते थे कि वेरिएशन आ गई। ठीक है, क्लियर, आ गई वेरिएशन हो गई, तो ये हम कहते थे वेरिएशन हो गई इसमें, तो ये सोर्स था। फिर नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि ठीक है, ये तो है वेरिएशन, पर ये वेरिएशन स्लो है। प्रॉब्लम क्या है, ये वेरिएशन स्लो है, तो फॉर फास्ट वेरिएशन ज्यादा वेरिएशन के लिए नेचर ने कहा क्यों ना मैं दो सेल को फ्यूज कर दूं, दो सेल को फ्यूज करके सिंगल सेल बनाऊं और उससे वेरिएशन आ जाए। ठीक है, पर यहां एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप दो सेल को फ्यूज करोगे, मान लो इस सेल में मेरे पास 20 क्रोमोसोम है, इसमें 20 है तो इसमें 40 हो गए। क्लियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल। तो हमें यह समझना है, मान लो ये 40 वाला अगली जनरेशन में 40 वाले के साथ फ्यूज कर जाए, अगेन क्रोमोसोम नंबर गेट डबल, तो जनरेशन वाइज क्रोमोसोम बढ़ते चले जाते। उसका सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन ये है बेटा कि एक डिवीजन इवॉल्व हुई, मियोसिस। तो मियोसिस एक डिवीजन है जो क्या करेगी, डिवीजन विच कैन रिड्यूस का मतलब कम करना, विच कैन रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ताकि क्या हो सके बेटा, सोचो से होगा क्या, अगर क्रोमोसोम हम कम कर देंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम कर देंगे किसी एक डिवीजन से, तो क्या होगा उससे ये हो जाएगा कि जब हम दो सेल को फ्यूज करेंगे तो क्रोमोसोम अपने आप हाफ हो गया ना, ये चीज हो जाएगी। तो हाफ कैसे करें, आप जरा एक दिमाग में बिठाओ। देखो, नंबर हाफ करने का मेन पर्पस फ्यूजन से क्रोमोसोम डबल ना हो, तो दिमाग में आपने क्या बिठाया, आपने दिमाग में ये बिठाया
कि वेरिएशन पहले कैसे आती थी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ होने से, उसके बाद क्या हुआ वो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो गड़बड़ चल रहा था, प्रॉब्लम जिसमें चल रही थी मतलब, तो उससे वेरिएशन स्लो आती थी। फास्ट करने के लिए क्या किया, दो सेल को फ्यूज किया, क्रोमोसोम नंबर बढ़ते चले गए हर जनरेशन में। नेचर ने कहा ये ठीक नहीं है, इसके लिए उसने एक डिवीजन इवॉल्व करी जिसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, मियोसिस। जिसका नाम हमने क्या रख दिया, मियोसिस। क्लियर है ये बात, ये बात सोच पा रहे हो? ठीक है, इसका नाम हमने मियोसिस रख दिया। अच्छा, अब इस चीज को मैं इन बात से भी समझ सकता हूं कि अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस, कम कर देगा नंबर बाय हाफ। क्लियर, जिससे मेरे पास डॉटर सेल्स क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, मियोसिस नंबर हाफ कर देती है। दूसरा, मियोसिस एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग ये है बेटा, ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो मैंने क्या किया हुआ, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके सारे सेल्स में क्रोमोसोम 46 है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके सारे सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 46 है, 46 क्रोमोसोम है। तो अगर मैं किसी रीजन से इस सेल के क्रोमोसोम नंबर को 23 कर दूं, इस सेल के क्रोमोसोम नंबर को 23 कर दूं और फिर उसको किसी 23 क्रोमोसोम वाले से फ्यूज करूं, तो मुझे 46 क्रोमोसोम मिल जाएंगे। और तो इसका मेरा मेन पर्पस क्या है कि मियोसिस जरूरी है हर उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हो। क्यों? क्योंकि वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर सकती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सारे सेल में कर दो मियोसिस, हम कहेंगे नहीं, बाकियों में डबल रहने दो जिसे आप डिप्लॉइड कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस कहां करो, मियोसिस परफॉर्म करो, परफॉर्म करो कहां पर, परफॉर्म इन स्पेशलाइज्ड लोकेशन, स्पेशलाइज्ड लोकेशन या स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं स्पेशलाइज सेल, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी में करते हैं मियोसिस ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में। तो मेरा कहना यह है कि अगर मियोसिस करनी भी है तो मेनली किसी स्पेशलाइज सेल में करो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, सारे सेल्स में करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि आपके दिमाग में यह बात बैठी होगी कि मियोसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। पहला पॉइंट, मियोसिस उस ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स में करने की जरूरत नहीं है, यह स्पेशलाइज सेल में किया जाता है जैसे कि ह्यूमन या एनिमल्स के केस में टेस्टिस और ओवरी के सेल्स, ताकि क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जा सके। मुझे लग रहा है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी अब तक। क्लियर, ये वाली बात अगर समझ आ गई है तो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो, अगर ये बात आ गई है, दूसरा हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, व्हाई वी नीड मियोसिस, ध्यान से सुनो, व्हाई वी नीड मियोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड फेज बना देगा। ये हमने समझ लिया बेटा, आपको हमेशा याद रखो, अगर हैप्लॉइड फेज नहीं बना तो फिर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में, ध्यान से सुनिए बेटा, मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ डिटेल बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं डिटेल ऑफ मियोसिस की, बिल्कुल फोकस करके सुनो, आपको समझ आना चाहिए। देखो, मैंने एक डिप्लॉइड सेल ले लिया, मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम पेयर में होंगे, उसकी मैं सेल साइकिल बना रहा हूं ऐसे, उसकी मैंने क्या बना दी, ऐसे सेल साइकिल बना दी, सेल साइकिल में मैंने फेजेस बना दिए ऐसे। तो ये जो फेज बनाया मैंने, ये जीवन है, एस जी टू, ये फेजेस बना दिए। अगर आपको याद हो यहां अमाउंट क्या लिखा था हमने, यहां अमाउंट लिखा था 2C और यहां लिखा था अमाउंट मैंने 4C। बेटा एक क्वेश्चन पे डिस्कशन था जहां पे मैं आपको बता रहा था ज्यादा स्टेप्स लिखे रहेंगे तो ज्यादा करेक्ट होगा, मैंने उस वक्त पढ़ा नहीं था ध्यान से, उसका आंसर फर्स्ट है, लास्ट लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन करा रहा था जिसमें स्टेप्स दे रखे थे उसके माइटोसिस के, तो उसका आंसर फर्स्ट ही है, मैंने खुद से भी चेक किया कुछ बच्चों की कमेंट्स पढ़ के। लेकिन बेटे बेटा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट है,
आंसर्स कई बार हम भी गलत देख सकते हैं, ह्यूमन एरर है, वो तो पॉसिबल है। चलो देखो, यहाँ अमाउंट 2C था, यहाँ अमाउंट 4C है। अब हमने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां अमाउंट 4C है इस क्रोमेटिन का, यहां अमाउंट 2C था। मैंने क्या किया है, मैंने देखा कि नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में जब G2 फेज कंप्लीट होता है तो मेरे पास मियोसिस में दो फेज होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। मतलब मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जहां पर सेल दो बार डिवाइड करता है, एक बार मियोसिस 1 करता है और एक बार मियोसिस 2 करता है। लेकिन DNA रेप्लिकेशन कितनी बार हुई है, एक बार। तो हम लिखेंगे कि DNA रेप्लिकेशन इन मियोसिस, इसमें भी नॉर्मल एस फेज होता है बेटा, अकर वंस। DNA रेप्लिकेशन एक बार हुई है किसमें, एस फेज में, बट सेल दो बार डिवाइड करेगा, बट जो उसका न्यूक्लियस है, जिसमें सेल है हमारे पास न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर है, वो डिवाइड करेगा दो बार, डिवाइड 2 times। यहां तक बात समझ में आ गई, सेल ने DNA डबल किया। देखो मैं यहां पर नॉर्मल माइटोसिस भी लिख सकता था, नॉर्मल सेल में जिसे आप कहते हो सोमेटिक सेल, लेकिन वो स्पेशल सेल जिनमें मियोसिस होगी उन सेल्स का नाम होता है मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट, जिनमें डिप्लॉयड सेल, जिनमें क्या होगी बेटा, डिप्लॉयड सेल जिनमें मियोसिस होगी उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट। तो हमने लिखा G1S G2, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार डिवाइड करेंगे। अच्छा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज इज G1S G2, इन सब को मिलाकर इंटरफेज कहते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस इज बेसिकली क्या है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, इन बिटवीन। ये चीज देख पा रहे हो बेटा, इंटरकाइनेसिस में कोई DNA डबल नहीं होता। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये करेंगे, देखो इस चीज को समझो, जब मियोसिस स्टार्ट करेंगे तो सेल हमारे पास क्या होगा, 4C अमाउंट होगा। मियोसिस खत्म करेंगे तो मेरे पास 4 सेल बनेंगे, क्योंकि मेरे को दो बार डिवाइड करना है, और चारों सेल में अमाउंट सी होगा। याद रखनी बस इतनी बात अभी, फिर हम आगे चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है, बोलो प्लीज, NCERT पे स्टिक करना है सबको, क्लियर। और जितना पढ़ा रहे हैं उतना नीट के लिए काफी, आपके बोर्ड के लिए काफी, जो स्कूल बोर्ड स्कूल एग्जाम है, क्लियर। इट इज नॉट डिफिकल्ट बेटा, अगर आप ध्यान से सुने, सिंपल फोकस चाहिए और NCERT रीड करनी है, नोट्स बनाने आपको, साथ के साथ रनिंग बनाओगे तो ये देख लो जरा। सबसे पहले समझ लो, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है बेटा। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में एक सिंगल साइकिल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस फेज, सिर्फ एस फेज में होती है। मियोसिस 1 हम बात करेंगे अभी, ठीक है, फिर मियोसिस 2। देखो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम, जैसे एस फेज के बाद हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ये चीज समझ आ रहा है, इसकी हम अभी पेयरिंग और इसके लिए हम बात करने वाले हैं, ये अभी हम करेंगे बात, ये बताया नहीं मैंने, ये स्किप नहीं कर रहा, सिंपल आपको समझा रहा हूं, इस पर आगे बात करने वाले हैं। तो हमने सिंपल ये समझ लिया कि मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 लिखा हुआ आपके सामने, और उसके बीच के गैप को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और हमेशा याद रखो, मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉयड सेल, और उसमें भी वो एस फेज पार कर लेगा, तब जब वो एस फेज पार कर लेगा तब हमारे पास क्या होगी, मियोसिस होगी। क्लियर हो गई बात, सॉरी ये चीज है, ठीक है, G1S G2 के बाद मियोसिस होगी, क्लियर। और मियोसिस सारे सेल्स में नहीं होती, उन्हीं सेल्स में होती है जिनका कहीं ना कहीं रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग मियोसिस 1 की बात करेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं बेटा। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 की हमने फेजेस लिख ली, हमने लिखी प्रोफेज 1, फिर हमने लिख ली मेटाफेज 1, क्योंकि हमने एक चीज समझनी है यहां पर बेटा, हमने एक चीज समझनी है कि नेचर में पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, लाइक बाइनरी फिजन,
फिर माइटोसिस इवॉल्व हुई और माइटोसिस में ही थोड़ा सा वेरिएंट बना के मियोसिस इवॉल्व हुई। मियोसिस के इवॉल्व होने का मेन रीजन समहाउ वेरिएशन था और मियोसिस में इसीलिए डिवीजन के दौरान ड्यूरिंग डिवीजन हम वेरिएशन के लिए और काम करते हैं। मेरी बात समझो, फोकस करो और दिमाग में बिठाओ। मियोसिस में हम वेरिएशन के लिए भी काम करते हैं और कैसे काम करते हैं इस चीज को समझो। कैसे काम करते हैं कि हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे कि कुछ वेरिएशन बनाने के लिए इसमें कुछ करेंगे, ठीक है, वो बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मियोसिस वन को भी चार फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं जैसे माइटोसिस को कर रहे थे। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ऐसे हमने इसको चार फेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको यह समझना है बेटा, आपको यह समझना है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था फेज वगैरह कुछ नहीं होते, हम पढ़ने के लिए खुद से फेज बनाते हैं, मतलब फेज जैसी चीज हम बनाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे ही चेंजेस को हम नाम देते हैं फेज का। तो अगर मैं आपकी बात को आगे, इस बात को मैं आगे लेके जा सकूं तो मैं ये कहूंगा कि प्रोफेज वन में भी इतने सारे चेंजेस होते हैं जिनको मुझे अलग फेज का नाम देना पड़ा। तो प्रोफेज वन में कुछ फेजेस हैं जिनका नाम है हमारे पास, जिनका नाम है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, समझ लो इस बात को बेटा। फिर हमारे पास है पैकेटीन। तो ये फेजेस क्या है, किसके पार्ट है, किसके पार्ट है, प्रोफेज वन के, क्लियर, ये चीज समझो। तो ये फेजेस हमने बनाए हैं, है ना, ये फेजेस हमने बनाए हैं पढ़ने के लिए, चेंजेस को नाम दे दिया है। और दूसरा अपने दिमाग में रखो कि मियोसिस वेरिएशन की वजह से हुई, मियोसिस वेरिएशन के लिए हुई है कि वेरिएशन आए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन है उसके अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि और वेरिएशन आए, क्लियर, ठीक है बेटा, सही है। तो सिंपल ये समझो, कुछ बच्चों को लगता है यार ये इनमें भी है क्या फेजेस, सॉरी इनमें भी फेजेस हैं क्या, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ मियोसिस वन का प्रोफेज वन सबसे बड़ा फेज है और उसमें चेंजेस को हमने अलग स्टेजेस का नाम दे दिया है। बेसिक चेंज सेम रहेंगे लेकिन क्या अलग चीजें हुई उनको लेकर हम मियोसिस वन की पहली स्टेज लैप्टोटीन की बात करने वाले हैं। देखो क्या होगा लैप्टोटीन में, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपको समझना। लैप्टोटीन में क्या होगा उसको पहले आपको दिखा दूं ताकि आप समझ सको, फिर हम बात करेंगे इस पे। तो प्रोफेज वन की, प्रोफेज वन की फर्स्ट स्टेज का नाम है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन मैंने ये सेल बना लिया, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब कोई मुझसे पूछे लैप्टोटीन कहां होगा, लोकेशन इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोफेज का पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के लास्ट में जाके टूटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोफेज वन की सारी फेजेस कहां होंगी, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी अभी। चलो बात करते हैं इस पे। तो एनसीईआरटी कहती है ठीक है भाई, हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करेगा। तो जो डीएनए है वो क्या शो करेगा, कॉम्पैक्शन, इट इज लाइक कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन शो करेगा। और ये कॉम्पैक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट लैप्टोटीन, थ्रू आउट लैप्टोटीन ये कंटिन्यू रहेगी, है ना, थ्रू आउट लैप्टोटीन, ध्यान से सुनो बेटा, थ्रू आउट लैप्टोटीन कंटिन्यू रहेगी, समझ आ गई बेटा बात, है ना। दूसरा, इसको मैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकता हूं। अब ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बेटा, एनिमल सेल में मुझे ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो एनिमल सेल में ये ऐसा लगता है कि एक सिंगल पॉइंट से आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बुके दिख रहा है। तो बुके स्टेज जो है वो मुझे कहां दिखेगी, एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं। तो एनिमल सेल में इस चीज को देख लेते हैं बेटा, एनिमल सेल में हमारे पास कौन सी स्टेज दिख रही है, बुके,
बुके का मतलब हुआ सिंगल पॉइंट्स ऐसे दिख रहे होंगे, और वो कहां दिख रहे हैं? लेप्टोटिन में। तो लेप्टोटिन में सिंपल एक पॉइंट याद रखना है, कॉम्पैक्शन। क्या हो रही है हमारे पास? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब जैसे मान लो ये क्रोमेटिन है आपके सामने, तो ये क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट करके कुछ क्रोमोसोम जैसा बनाने लगेगा, और कॉम्पैक्शन कंटिन्यू रहेगी। इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, वहां देखा जा सकता है। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? तो लेप्टोटिन में क्या होगा? सिर्फ कॉम्पैक्शन, एक लाइन याद रखना है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब क्या होता है बेटा हमारे पास, हमें क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं जाइगोटीन की। ये मैंने सेल बना दिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। मेरी बात देखना बेटा ध्यान से, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मुझे क्रोमोसोम ऐसे दिख रहे हैं, इस चीज को समझना। मुझे क्रोमोसोम इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो गए ऐसे। अगर ये फुली कंडेंस होते तो और छोटे होते, पर देख रहे हो ये ऐसे क्रोमोसोम दिखने इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे। ऐसे मान लो ये ऐसा है, तो इसके जैसा एक ये रहा, फिर ये रहा, ये एक जैसे है, फिर ये एक जैसे दोनों है ना। तो क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं किसमें? जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन में मैं लिखूंगा क्रोमोसोम विजिबल है। क्या होगा? क्रोमोसोम विजिबल है, मुझे क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जाइगोटीन में क्रोमोसोम दिखने प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगे। और वो क्रोमोसोम क्या करेंगे बेटा? देखो आप एक चीज समझो, देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर है, सिमिलर इन शेप। अब ये पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने का मतलब हुआ ये पास आ जाएंगे। देखो इस चीज को समझो हमेशा, कि हमारे पास क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और उन्हें होमोलोगस पेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जाइगोटीन में साथ आते हैं। उन्हें होमोलोगस पेयर क्यों कहते हैं? जाइगोटीन में साथ आते हैं। ये चीज समझो, पेयर है इसलिए साथ नहीं आ रहे, जाइगोटीन में साथ आ रहे हैं इसलिए होमोलोगस पेयर कहते हैं। होमोलोगस पेयर का मतलब ये हुआ कि एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम साथ आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं पेयरिंग। ध्यान से सुनो बेटा, जिसे हम नाम देते हैं पेयरिंग। ध्यान सुनो, हमने लिखा पेयरिंग हो गई, पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो एक जैसे दिख रहे हैं, किनकी हुई है? सिमिलर की। तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, साथ आने के प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। समझ रहे हो? मतलब जैसे ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम साथ आ गए, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ आ जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस, प्रोसेस है। और रिजल्ट ऑफ पेयरिंग देख लो, ध्यान से देखो बेटा, ये आपको अगर मैं सेल दिखाऊं इस तरीके से, तो ये देखो जरा ऐसा कुछ है, इसमें ये क्रोमोसोम इसका होमोलोगस है, इसका होमोलोगस ये रहा, इसका ये रहा। तो ये जाइगोटीन में ये न्यूक्लियस है बेटा, मान लो अभी न्यूक्लियस है, इसके बाहर हमारे पास ये सेल होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो देख पा रहे हो? तो ये पेयरिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है? ये देख रहे हो आप, ये न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पेयरिंग हो गई है, ठीक है? साथ आ गए, ये देख रहे हो होमोलोगस पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां कैपिटल ए जीन है तो इस पे स्मॉल ए हो सकती है। तो व्हाट इज होमोलोगस पेयर? जो जाइगोटिन में पेयर करेंगे, तो हम लोग लिख रहे हैं इस बात को कि इन जाइगोटिन पेयरिंग अकर, पेयरिंग अकर, उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक्चुअल में प्रोसेस है पेयरिंग का, साथ आने का प्रोसेस। अब ध्यान से देखना बेटा, इनको साथ कौन लाएगा या रखेगा? वो एक केमिकल होता है जो इनके बीच में है, जो इनको जोड़े हुआ है, उसका नाम है, प्रोटीन का बना हुआ है, उसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मैं कुछ लाइनें रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज जाइगोटीन? जाइगोटीन में क्रोमोसोम साथ आएंगे, जिसे आप कहोगे पेयरिंग। साथ क्यों ला रहे हो? सुन लो इस बात को। मान लो हम साथ इसलिए ला रहे हैं, देखो ये वाली जीन पे, ये वाले क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल आर जीन है, तो इस पे भी कैपिटल आर ही होगी। इस वाले पर
स्मॉल वाई है तो इस पे स्मॉल वाई ही होगी, इस वाले पे स्मॉल आर हो सकती है, इस पे स्मॉल आर, इस पे कैपिटल वाई, इस पे कैपिटल वाई। इसकी जीन इससे सेम क्यों है? क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक, ये देख रहे हो, ये वाले पार्ट की बात कर देता हूं, मान लो इतना, ये दोनों इसकी कॉपी है, तो इस पर जो जीन है वो इसके सिमिलर है, है ना, इस पे जो जीन है वो इसके सिमिलर है। हम क्या करना चाहते हैं, इनको साथ लाकर इसकी ये वाई वाली जीन का हिस्सा या पार्ट उस पर लगा देंगे और इसकी इस वाली जीन का पार्ट इस पे लगा देंगे, मतलब एक तरीके से वेरिएशन लाएंगे। तो वेरिएशन लाते कैसे हैं, सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, फिर उनकी क्या होती है पेयरिंग। पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्या लिखा मैंने, मैं लिखता हूं यहां पर, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनैप्स। ये पॉइंट याद रखने, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनैप्स, साइनैप्सिस कहते हैं, ठीक। दूसरा, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है जो इसमें मदद करेगा, मतलब हम ये कहेंगे साइनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करेगा, हेल्प इन पेयरिंग, वो हेल्प करेगा इनको साथ लाने में। इनको साथ लाने में कौन हेल्प करेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर, साथ लाएगा मतलब उनको ऐसे जोड़, मतलब उनके बीच में है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इनके बीच में, ये मान लो ग्रीन कलर का, ये देखो, अगर आप जाइगोटिन को देखना चाहो तो जाइगोटिन का मतलब है क्रोमोसोम पेयर में दिखेंगे, वो आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, लेकिन लेकिन बहुत ध्यान से सुने बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बहुत माइन्यूट सा होता, मतलब बहुत ऐसा प्रोटीन सा है और उनके बीच में बहुत कम सा है, बस वो साथ रखे हुआ है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। चेक एनसीईआरटी लिखा है तो मैं इस बात को लिख रहा हूं यहां पर कि आपके पास, ध्यान से सुने, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प इन पेयरिंग, तो जाइगोटीन एंड पैकेटीन ये विजिबल है नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, शॉर्ट होती है और नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख जाती है, बट साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को कैसे देखोगे, कॉम्प्लेक्स इज विजिबल ओनली बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डन, है ना, ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, क्लियर हो गई बात, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब हमने लिखा प्रोसेस इज पेयरिंग, प्रोसेस क्या है, पेयरिंग कर दी हमने, क्लियर, प्रोसेस है पेयरिंग, ठीक है, तो उस पेयरिंग का कुछ रिजल्ट भी है क्या, उस पेयरिंग का कोई रिजल्ट भी है क्या? मैंने सिंपल आपको यह समझा दिया कि ये एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, ये देख रहे हो, ये एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ गए, देखो ये वाला, ऐसा कुछ पेयरिंग हो गई, ठीक, पेयरिंग हो गई। अब इनके बीच में हमने कहा वो केमिकल है जिसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये रहा प्रोटीन है जो इसको जोड़ेगा। अब देखना ध्यान से बेटा, हमने यहां पर एक बात बोली है आपके लिए बच्चे कि प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनेप्सिस, क्या बोला, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग साइनेप्सिस, रिजल्ट ऑफ पेयरिंग साथ आने के बाद क्या बनेगा, बाइवेलेंट और टेट्राड, मतलब या तो, देखो टेट्राड और बाइवेलेंट का मीनिंग क्या है, देखो बाइवेलेंट का मतलब ये दो क्रोमोसोम, एक ये दो, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइवेलेंट, दिस टू क्रोमोसोम को लेंगे तो बाइवेलेंट कह रहे हैं, बाइवेलेंट का मतलब होता है दो क्रोमोसोम और टेट्राड का मतलब होता है चार क्रोमेटिड, देखें 1 2 3 4, ये पूरा, या मैं यहां पे दिखा सकता हूं इस बात को, दिस इज बाइवेलेंट, मान लो इन दोनों को मिला के बाइवेलेंट कहेंगे, तो दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज टू क्रोमोसोम, नाउ टेट्राड मींस ये
चार क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, एक ये ऐसे। तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं बेटा, इस चीज को समझ सकते हैं कि जाइगोटिन में पेयरिंग होगी, रिजल्ट ऑफ पेयरिंग इज टेट्राड और बाइवेलेंट। यहां पर आप देख सकते हो कितने क्रोमैटिड है, 1 2 3 4 1 2 3 4, चार क्रोमैटिड है, इसलिए टेट्राड वर्ड यूज कर रहे हैं। और जब मैं मतलब इनको अगर क्रोमोसोम काउंट करूं तो 2, दैट इज बाइवेलेंट। क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ गई ये बात, तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, इनको साथ क्यों लाए थे, है ना। थर्ड स्टेप जो है वो इससे डिस्कस करेगा, जिसको हम कहेंगे पैकेटिंग। इन्हें साथ लाए क्यों, व्हाई वी रिक्वायर क्रोमोसोम टू गेट पेयर। मान लो ये दूर दूर थे एक दूसरे से, ऐसे थे कहीं, इनको साथ क्यों लाए, हमने इनकी पेयरिंग क्यों करी, इनको पेयर करा ही क्यों। इनके बीच में हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रखा है नो डाउट, पर उसका मेन पर्पस क्या है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, सिर्फ साथ रखना है ऐसे प्रोटीन। पेयर करने का मेन पर्पस क्या था, जिसे आप पैकेटीन कहते हो। इनकी देखो मेरी बात समझना ध्यान से, मैं अगर कोई क्रोमोसोम बनाता हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, ये एक सेंट्रोमियर है, ये क्या है हमारे पास सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। इस आर्म और इस आर्म को मिला के दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब ये दोनों आपस में 1 और 2 सेम है सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसे ही 3 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। तो मैं लिख देता हूं 1 और 2 क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 3 और 4 ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हैं। लेकिन अगर हम पैकेटिन में करेंगे क्या, सुन लो पहले, सिस्टर क्रोमैटिड समझ आ गया, हम क्या करने वाले हैं बेटा पैकेटिन में, इनको साथ लाकर, इनको हम जो साथ ले आए, हम इनको साथ ले आए, हम इनकी आर्म्स के बीच में एक्सचेंज करेंगे ऐसे, मतलब इनकी आर्म्स के बीच में इस तरीके से हम एक्सचेंज करने वाले हैं। मतलब अगर मैंने एक नंबर डाले थे, फिर नंबर डाल देता हूं, 1 और 2 वो सिस्टर क्रोमैटिड, 3 और 4, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो हम किसके बीच में कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, 2 और 3 के बीच में, देखो ना ये रहा 2 और 3 के बीच में। तो इसका मतलब हम ये मेटिज इनके बीच का डीएनए एक्सचेंज करेंगे, मतलब हम ये करने वाले हैं बेटा इसका कुछ पार्ट, मान लो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये कर दिया हमने, हम ये करने वाले हैं यहां पर, हम यहां पर ये करने वाले हैं बेटा कि जो इसका कुछ पार्ट है सेकेंड क्रोमोसोम का, इसका कुछ पार्ट इस पे जुड़ जाएगा, मतलब मैं ये करने वाला हूं। देखो पहले तो समझो, ये इनकी आर्म्स ऐसे आ गई सिस्टर क्रोमे, ये दोनों कौन सी हो गई, नॉन सिस्टर। तो हम ये करेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाला पार्ट इतना इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली, अगर आप देख सको इस बात को, समझ सको, तो आपको फाइनली क्या दिखने वाला है बेटा, देखो आपको फाइनली ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कुछ इस तरीके का दिखने वाला है बेटा, है ना, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है ये, मतलब इसकी आर्म के ये पार्ट एक्सचेंज हो गए, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अभी अलग नहीं हुए, जस्ट कहना चाह रहा हूं मैं, एक्सचेंज हो गए, ये होगा। और इसके बीच में वो केमिकल है अभी भी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का हम नाम दे रहे थे, वो केमिकल इसके बीच में है, समझ लो इस बात को। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, पैकेटिन में क्या होता है, जो ये होमोलोगस पेयर है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर कहां होगी, सुनो ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर होगी किसके बीच में, क्रॉसिंग ओवर अकर इन बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड, इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ध्यान सुने, इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर समझ पा रहे हो, ये
टू और थ्री, ये वाला देख रहे हो, इनके बीच में है ना, टू थ्री के बीच में देखो आर्म्स। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, ये आर्म्स आपस में ऐसे रैप हो जाएंगी, देख रहे हो ऐसे रैप हो गई हैं ये यहां पे। तो जहां जहां ये कॉन्टेक्ट में आई हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्लियर? तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आर्म्स का, जहां पर ये कॉन्टेक्ट में आई उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का क्या मतलब हुआ, वो इस तरीके से ऐसे रैप हो गई, इस तरीके से रैप हो गई, और इनके बीच में ये यहां क्या हुआ, इनके बीच में ये देखो, ये देख रहे हो, इन पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोल रहे हैं। और इस तरीके का कुछ होगा, इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, कुछ होगा। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है बेटा? इस तरीके का कुछ होगा कि ये देख रहे हो, ये आर्म्स हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगी, इसका पार्ट ऐसे, और इससे क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। वेरिएशन कैसे आएगी, जब ये एक्सचेंज नहीं हुआ था, ध्यान सुनो, एक्सचेंज नहीं हुआ था तो देखो जरा इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये एक्सचेंज नहीं हुआ था तो ये वाली आर्म, देखो ध्यान से देखो, अभी जब तक ये एक्सचेंज नहीं हुआ था तो दिस आर्म और दिस आर्म आर, सॉरी आर्म कह रहा हूं, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड जो थे वो जेनेटिकली सेम थे। रिपीट कर देते हैं एक बार बेटा, आपको क्रॉसिंग ओवर करने का मेन पर्पस है वेरिएशन लाना, उसके लिए पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, उसके बीच में अभी भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग नहीं हुए, ये जस्ट दिखाने के लिए आपको बता दिया। अब देखो, दिस इज 1 2 3 4, मतलब यहां से लेके पूरा ये 1 है, ये पूरा 1 है, तो 1 2 के जेनेटिकली सेम था पहले, ये दोनों बिल्कुल सेम थी, सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब वो अलग हो गए, जो मेन तरीका है वेरिएशन लाने का। क्लियर? रिपीट करूं, लैप्टोटेन सिर्फ कॉम्पैक्शन, जाइगोटेन साथ आना, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग साइनेप्सिस, रिजल्ट ऑफ पेयरिंग बाइवेलेंट या टेट्राड। अगर आपसे मैं पूछूं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, आप कहेंगे 46, कितने पेयर बनेंगे, 23, तो 23 ही बाइवेलेंट होंगे, 23 ही टेट्राड होंगे, क्योंकि इसको मैं कह रहा हूं बाइवेलेंट और इसी को टेट्राड कह रहा हूं। बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, टेट्राड मतलब चार क्रोमेटिड। क्लियर? बोलो ठीक। उसके बाद पैकेटिन में ये नॉन सिस्टम क्रोमेटिड आपस में रैप हो जाएंगी, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाले पॉइंट्स पर हमारे पास क्या होगी, एक्सचेंज होगा, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दूसरा, हमारे पास एक एंजाइम यहां पर चाहिए जो हेल्प करेगा, कई बार नीट में पूछा है, उसका नाम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज, ठीक है बेटा, रिकॉम्बिनेज। क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होगी। आप देख पाएंगे इसे कि ये जो आर्म्स हैं, आप देख लो, इनके बीच में हमारे पास ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड, 3 4 नौ सिस्टर क्रोमेटिड, 2 और 3, ये पूरा, ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच में ऐसे आर्म्स ऐसे रैप हो जाएंगे, और उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अभी भी यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये किस में हो रहा है, पैकेटिन में। तो पैकेटिन में क्या क्या चीज याद रखोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर किसका, किसी भी क्रोमोसोम का नहीं, ऑफ होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आ गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए बेटा, एक दूसरे के पास आ गए, बिल्कुल, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर एक दूसरे के पास आ गए, दे फॉर्म रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उन्होंने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया, और फिर क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह हुआ कि इनके बीच में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, एक्सचेंज हुआ है क्रोमोसोम के, नॉन सिस्टर के बीच में ऐसे एक्सचेंज हुआ। एंजाइम का नाम मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद करो आप साथ के साथ, रिकॉम्बिनेज, एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज, कोई डाउट इसको लेके नहीं रखेंगे। क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप एनसीईआरटी के एक लाइन पर जाओ तो एनसीईआरटी क्लियरली क्या पूछती है आपसे कि टेट्राड कब बनता है, टेट्राड दिखता है जाइगोटीन में,
और फिर अगर एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो तो आपको कहेगा टेट्रार क्लियरली कब दिख रहा है, तो आएगा पैकेटीन में। तो अगर आपसे जब भी पूछे अगर क्लियरली वर्ड आ जाए, क्लियरली विजिबल, तो आप जाइगोटीन ना मार्क करके पैकेटीन मार्क करेंगे। क्लियर है? सही है। और मुझे दिखेगा भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, नहीं तो पता नहीं चलेगा यार। टेट्राड देख तो सकते हो लेकिन आप दिमाग में ही बिठाओ, अभी इसको नहीं लिखते, दिमाग में बिठाओ विजिबल और क्लियरली विजिबल का क्या मतलब हुआ। विजिबल मतलब ठीक है पेयर दिख रहा है, लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हो कि हाँ ये पेयर जाइगोटीन का है तो मुझे अगली स्टेज में मिलेगा, क्योंकि आर्म्स और क्लोज हो जाएंगी किसको लेके, क्रॉसिंग ओवर को लेके। अब देखो सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या होता है, मैंने देखो मैंने क्या करना था, देखो मैंने मेरे पास जो ये आर्म्स थी, ये जो आर्म्स थी देखो ये वाली, ये आर्म्स के बीच में ऐसे एक्सचेंज हो चुका है ना, यही तो पढ़ रहे हैं। ये जो आर्म्स है इनके बीच में आप बात कर सकते हैं, ये इस तरीके से है ना, हम लोग ऐसे एक्सचेंज कर चुके हैं, मतलब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन ऐसे नोड्यूल बना हुआ है जहाँ पर एक्सचेंज होगा। क्लियर? ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता दिया ये मैंने ऐसे करके, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं दीज आर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये वाले और ये वाले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है ना, ये चीज़ हमने बोली थी, ठीक है। और इनके बीच में अभी भी वो केमिकल है जिसका नाम क्या है बेटा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको साथ रखता है, अभी भी है इनके बीच में। तो सबसे पहले क्या होगा डिप्लोटीन में, उस साइनेप्टोनीमल कॉम्प, देखो हमारा मेन काम था एक्सचेंज कराना, वो हो गया, ये जो इनके बीच में एक्सचेंज कराया वो हो गया। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ, हम यहां लिखते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये केमिकल था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जब इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो अब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। एक क्वेश्चन था नीट में पूछा था, कब दूर जाने लगेंगे, कोशिश कब करेंगे डिप्लोटीन से। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत बचा रहता है, पर क्रोमोसोम इज नाउ ट्राई टू मूविंग अपार्ट, कोई खींच नहीं रहा है पर साथ रहने की वजह खत्म हो गई। क्लियर हो गया? तो अब ये एक दूसरे से दूर जाने, तो हम लिखेंगे क्रोमोसोम टेंड टू मूव अपार्ट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कर लिया। अब जब वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे उनके जहां वो अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं, जहां वो अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो इनके बीच में था वो हमने डिसॉल्व कर दिया। क्लियर? सिर्फ वो कुछ जगह बचा हुआ है जहां ये कॉन्टैक्ट में है ऐसे। तो मुझे जब वो दूर जाएंगे देखो तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दिख रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, इसे हम क्या बोल देंगे, क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो इनके बीच में बना है। मैं रिपीट करता हूं, एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर इनके बीच में बन गया, ये ऐसे बन गया। क्लियर? ध्यान से देखें ये, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कैइजमेटा। तो अगला चीज आप इसमें याद रखोगे कि डिप्लोटीन में और क्या होगा, कैइजमेटा विजिबल होगा। व्हाट इज कैइजमेटा, जब ये पास थे तो सिर्फ आम सुलझी हुई थी, अब एक्सचेंज हो गया इनके बीच में जो करना था, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम डिसॉल्व भी हो जाएगा, एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहां ये अभी भी कॉन्टेक्ट में है, उसे हम कहेंगे कैइजमेटा। क्लियर? कुछ मैमल्स में, या सॉरी हम ये बोलेंगे बेटा मैमल्स में डिप्लोटीन कई ईयर्स तक रहती है। ह्यूमन में क्या होता है, जो फीमेल है उसकी ओवरी में
उसकी फीमेल के बर्थ से पहले, मतलब एक फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले मियोसिस स्टार्ट हो जाती है और वो डिप्लोटीन पर आके रुक जाती है, और वो तब नेक्स्ट कब स्टार्ट होगी, जब एग फॉर्मेशन होगी जैसे प्यूबर्टी। इसका मतलब वो 13-14 साल 13-14 ईयर्स तक वो डिप्लोटीन में रुकी रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन मैमल्स जो एग होगा, एग अरेस्ट हो जाएगा किसमें, अरेस्ट इन डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में जो एग है हमारे पास वो अरेस्ट हो जाएगा, डिप्लोटीन में एग हमारे पास क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? अगर कभी आपको क्वेश्चन आए लॉन्गेस्ट फेज मियोसिस में बताओ, अगर उसमें ऑप्शन में डिप्लोटीन है तो डिप्लोटीन मार्क कर दो, नहीं तो प्रोफेज वन आ जाएगा आंसर में। क्लियर? क्लियर। नॉर्मली तो ये मैमल के लिए बात कर रहे हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में डिप्लोटीन ही आंसर होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? क्या क्या दिखेगा इसमें, हम इसमें देखेंगे बेटा कैइजमेटा, ये आएगा यहां पर कैइजमेटा या चैइजमेटा, ठीक है। क्रोमोसोम दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो गया और हमारे पास ये लॉन्गेस्ट फेज हो सकती है। तो हम डिप्लोटीन के बाद एक स्टेज है जिसे हम कहेंगे डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, सुनना ध्यान से, डायकाइनेसिस में क्या होगा बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देखो, होगा ये कि मान लो हमारे पास, इस चीज को समझना आप लोग, हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ऐसे ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये हमने क्रोमोसोम बना रखे हैं। देखो, इसकी आर्म्स थी जो अभी भी कांटेक्ट में थी इसके आर्म से, ऐसे। और इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला था, यहां पर याद है, इसको क्या नाम दिया था, इस पॉइंट को कैइजमेटा। अब जरा ये सोचो, इस वाली आर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब कुछ ऐसा है ये क्रॉस, मैं इनको ऐसे खींच रहा हूं, तो कैइजमेटा लास्ट पॉइंट पर आ गया, देख रहे हो, क्योंकि क्रोमोसोम दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो मुझे फाइनली क्या दिखेगा, ध्यान से सुनो बेटा, फाइनली मुझे क्या दिखेगा कि ये एकदम लास्ट में जाकर एक दूसरे से अटैच है ना, ये दोनों एकदम एक दूसरे से लास्ट में जाकर यहां अटैच है। तो कैइजमेटा ऐसे लास्ट पॉइंट पर मूव कर गया ना, कैइजमेटा हमारे पास लास्ट पॉइंट पे मूव कर गया, समझ रहे हो, लास्ट पॉइंट पे मूव कर गया, ठीक है, क्लियर। ये चीज समझो, देखो ऐसे मूव कर गया लास्ट में। तो हम सबसे पहला पॉइंट डायकाइनेसिस में लिखेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा, मतलब कैइजमेटा को लास्ट में ले आए, यहां से खींचते हुए ऐसे लास्ट में ले आए, ये इस पॉइंट पर पहुंच गया कैइजमेटा। उसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने जब माइटोसिस पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम कंडेंसेशन किस में होगी, मेटाफेज में, लेकिन मियोसिस में, डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट। और हम क्या पढ़ते थे याद करेंगे आप लोग, कि कौन कौन से काम और करते थे माइटोसिस के प्रोफेज में, याद करो ये चीज, ये लाइन है एनसीईआरटी में बेटा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आप क्या याद करोगे कि इस फेज में वो सारे काम होंगे जो प्रोफेज के लास्ट में हुए थे, कौन कौन से, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम को अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, उससे स्पिंडल बनेगा, स्पिंडल फॉर्म, और हम वो सारी चीज करेंगे जैसे ईआर, गॉल्जी बॉडी और न्यूक्लियस डिसअपियर करते हैं किसमें, डायकाइनेसिस में। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हमने डायकाइनेसिस में वो सारे चेंजेस कर लिए जो नॉर्मली प्रोफेज के एंड में करते हैं। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? तो मैं रिपीट कर देता हूं, लैक्टोटीन कॉम्पैक्शन, जाइगोटीन प्रोसेस ऑफ पेयरिंग साइनेप्सिस, टेट्राड और बाइवेलेंट विजिबल, नंबर ऑफ टेट्राड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लोइड सेल। फॉर एग्जांपल पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम है तो टेट्राड 7 बनेंगे। थर्ड, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी,
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा पैकेटिन में, रिकॉम्बिनेज हेल्प करेगा और क्रॉसिंग ओवर होगी। हमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है, हमारे पास जाइगोटीन में बनता है और क्रोमोसोम को साथ रखता है। फिर हम कहेंगे डिप्लोटीन में क्या होगा बेटा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, तो मुझे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा क्रोमोसोम के बीच में, दैट इज कैइजमेटा, क्लियर। अगली स्टेज में कैइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा, वो एंड पॉइंट पर आएगा, बाकी के बचे हुए काम होंगे, कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, ईआर गॉल्जी बॉडी डिसअपीयर, उससे पहले हमारे पास क्या हो रहा होगा और कि आपके स्पिंडल फाइबर बनेंगे, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में मूव करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेटाफेज वन। ये प्रोफेज वन की सारी स्टेजेस बता दी, आप जब टाइम था 2010 11 12 के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन खाली मियोसिस के इतने पार्ट से आते थे, चेक करो सारे बन रहे होंगे आपसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग मेटाफेज वन। बेटा चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार कुछ लाइनें देख लेते हैं एनसीईआरटी की, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेटाफेज वन पढ़ते हैं। तो जो हमने मियोसिस वन पढ़ा उसमें कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास ड्यूरिंग लैप्टोटीन एनसीईआरटी कहती है कॉम्पैक्शन, मुझे ये वर्ड चाहिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा हम लोग बात करते हैं जाइगोटीन में किसकी, साइनेप्सिस की, तो ये रहा साइनेप्सिस, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में दिखेगा अगर मुझे क्या देखना है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को, क्लियर, वो मुझे इसमें दिखेगा। बाकी साइनेप्सिस देखने के लिए नॉर्मल आप माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। और हमने बाइवेलेंट और टेट्राहेड्रल की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास पैकेटीन में क्या दिख रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसकी बात करी हमने, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है बेटा। और क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ये हमने बात करी थी। फिर डिप्लोटीन में हमारे पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसका डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे आप कैइजमेटा कहते हैं। और फिर डायकाइनेसिस में हमारे पास क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगी, क्रोमोसोम का पूरा फुली कंडेंस देख रहे हो, हमने मेटाफेज बोला था वहां, क्या नाम है, नॉर्मल माइटोसिस में, यहां पर क्या है बेटा हमारे पास डायकाइनेसिस में, ठीक है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर। अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करेंगे इसकी मेटाफेज वन की, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। मेटाफेज वन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे वन की, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास मेटाफेज वन में क्या होगा, देखो इस चीज को समझो, मान लो आपके पास ये सेल है और ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ध्यान से सुना बेटा, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम अभी भी जो पेयर वाइज थे वो जुड़े हुए एक पॉइंट पर, यहां अभी भी कांटेक्ट में, अलग नहीं हुए थे, ठीक है, क्लियर, अभी भी कांटेक्ट में। तो मेटाफेज में क्या होता है, अगर आपको याद हो जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था माइटोसिस, तो हमने क्या बोला था कि सेंट्रोसोम है यहां पर, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर ऐसे बनता है, ठीक है, क्लियर, स्पिंडल फाइबर बनता है। और जब स्पिंडल फाइबर अटैच होगा तो कैसे अटैच होगा, इस चीज को समझो, स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होगा कि हमारे पास नॉर्मल, ध्यान सुनो बेटा, हमारे पास एक काइनेटोकोर यहां बनेगा, एक यहां, तो एक स्पिंडल फाइबर इस पे अटैच होगा और एक इस पे। अगर आपको मेटाफेज याद आए, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपको मेटाफेज याद आए तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस पे हमारे पास इस तरीके से दो काइनेटोकोर थे, उस दो काइनेटोकोर पर हमारे पास दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते थे ऐसे। लेकिन ये मियोसिस का मेटाफेज वन है, ये मियोसिस का मेटाफेज वन है, एनसीईआरटी की लाइन चेक करोगे तो पेयर पे दो है, एक काइनेटोकोर है ये है, एक ये है, तो यहां पर दो स्पिंडल फाइबर थे एक क्रोमोसोम पे, देख लो ध्यान से बेटा, दो स्पिंडल फाइबर ऑन वन क्रोमोसोम, ये चीज किसमें थी, ये चीज थी नॉर्मल मेटाफेज में, नॉर्मल मेटाफेज जो माइटोसिस में था। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक पेयर पे, एक पेयर पे दो, देख लो, एक काइनेटोकोर ये रहा,
ये काइनेटो कोर है, कितने काइनेटो कोर बने, दो पेयर वाइज बने, दो पेयर पे दो है, तो हमें ये समझ आएगा कि इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर होंगे हमारे पास, क्रोमोसोम पेयर इस तरीके से हैं हमारे पास बेटा, क्रोमोसोम पेयर इस तरीके से हमारे पास है, ध्यान से देखो, क्लियर, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, क्लियर, देख लो बेटा, इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर है, और इन क्रोमोसोम पेयर पे ध्यान दो, क्रोमोसोम पेयर पे एक थ्रेड यहां आके जुड़ेगा, एक यहां, इस वाले पर देख लो, एक यहां और एक यहां जुड़ गया ऐसे, इस पर ये, क्योंकि पेयर पे ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसा मेटाफेज में होने लगेगा, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को, आपको अगर समझ आ गई मेरी बात तो मैं लिखूंगा, वन पेयर, ध्यान से देखो बेटा, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैव टू स्पिंडल फाइबर। पहले एक क्रोमोसोम पे होता था, पेयर पे है, ठीक है, इसमें, और ये काइनेटोकोर है जिसपे अटैच है, जो ये जो चीज है ना यहां, ये काइनेटोकोर है, देख पा रहे हैं ये चीज बेटा, हाँ, और ये अभी भी एक दूसरे से यहां जुड़े हुए हैं, है ना, अभी भी ये जो जो है एक दूसरे से ऐसे अटैच है, अभी अलग नहीं हुए बच्चे, है ना, ये टर्मिनल पॉइंट पर ये ऐसे अभी अटैच है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको सेंटर पे लेके आऊंगा सबको, मैं इनको क्या करूंगा, सेंटर पे लेकर आऊंगा, आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ध्यान से देखना, मतलब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मान लो ये सेल होता हमारे पास, ये सेल होता, ठीक है, और ये यहां पर सेंट्रोसोम होता, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा रहा हूं, और स्पिंडल फाइबर एक यहां जुड़ता, एक यहां, एक यहां, एक ऐसे, ये इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक पेयर है ना, ये पेयर, इस पेयर पे कितने आ जाएंगे, ये पेयर देखो, ये पूरा सेंटर में आ गया ऐसे, इस तरीके का कुछ आएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे इक्वेटर बन गया, ये वाला, ये इक्वेटर बन गया, जैसे सेल पे स्पिंडल फाइबर बने, सारे क्रोमोसोम पेयर वाइज सेंटर पे आ गए ऐसे। तो अगर आप इस चीज को सोच पाओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि ये पेयर जो है, जो अभी अभी भी यहां अटैच है, अभी भी यहां पे ये क्रोमोसोम पेयर यहां अटैच है आपस में, ऐसे यहां अटैच है, और इसके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर ये जुड़े हुए हैं, ये ऐसे, और ये दोनों इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस चीज को समझो, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा आपको, ये देखो, मान लो एक क्रोमोसोम ये, ठीक, एक मैं ये बना रहा हूं, एक ये, अब इसका होमोलोगस पेयर बना रहा हूं, ये रहा होमोलोगस पेयर, जो ये जुड़ा हुआ अभी भी, इसका होमोलोगस पेयर, इसका होमोलोगस पेयर, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये काइनेटोकोर है, ठीक है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है, उसके बाद बेटा काइनेटोकोर है, ये मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से सेल है, और ये यहां पर सेंट्रोसोम था, अगर आपको याद हो ये सेंट्रोसोम था, ये मैंने कितने पेयर बनाए, तीन, अगर ह्यूमन का सेल होता तो मैं ऐसे कितने पेयर बनाता, 23, अभी मैंने तीन ही पेयर बनाए। स्पिंडल फाइबर कैसे जुड़ा हुआ है याद करो, हमने ऐसे दिखाया, तो आप जो पिछली स्लाइड है उससे अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो मुझे क्या दिख रहा है पीछे वाले से देखो, लास्ट स्लाइड से, अभी ये सेंटर में नहीं आए थे, अब ये सारा पूरा का पूरा पेयर ऐसे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये पेयर है, मैं इसकी इसकी बात, इस पेयर की बात कर रहा हूं, तो इस पेयर में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहां अटैच हो गए, ये पेयर है ऐसे, तो इससे एक थर्ड ऊपर है तो दूसरा थर्ड नीचे, मतलब इस पेयर पे से ये वाला थर्ड देखो ऊपर है, तो ये वाला थर्ड क्या है, नीचे, क्लियर, ऐसे होगा। तो जैसे मेरे पास क्या है, एक देखो ध्यान से देखना, ये एक पेयर है, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इससे एक थ्रेड ऊपर, इस वाले से एक थ्रेड नीचे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक थ्रेड ऊपर एक थ्रेड नीचे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, एक थ्रेड ऊपर एक, मतलब टोटल क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, दो प्लेट दिखेंगी। दो प्लेट का मतलब क्या हुआ, ऐसे पेयर एक क्रोमोसोम का है जिससे एक थ्रेड ऊपर गया हुआ, एक थ्रेड नीचे, फिर अगला पेयर आ गया उसपे से एक थ्रेड ऊपर एक थ्रेड नीचे, फिर उसका नेक्स्ट पेयर इस वाले से थ्रेड ऊपर इस वाले से नीचे, तो मुझे एक डबल प्लेट दिख जाएगी, एक ये वाली
और एक ये वाली, डबल मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पेयर पे दो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। दो हमारे पास क्या है बेटा, दो स्पिंडल फाइबर है हमारे पास। दूसरा, ये इक्वेटर पर आ गए तो दो प्लेट दिख रही है आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल मेटाफिजिक प्लेट। डबल मेटाफिजिक प्लेट का मतलब ये हुआ बेटा कि मेरे पास दो अलग अलग लाइंस बनेगी। मान लो ह्यूमन का क्रोमोसोम होता, ह्यूमन का पेयर होता, तो 23 इस प्लेट में होते, 23 इसमें। मतलब ये प्लेट का क्या मतलब है, जैसे लाइन से ऐसे क्रोमोसोम पेयर लगा हुआ है, ऐसे देख रहे हो, ये वाला लाइन से ऐसे लगा हुआ है, एक से धागा ऊपर है, एक से स्पिंडल फाइबर नीचे है, ये मान लो सेल है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो दो लाइनें बनेंगी क्रोमोसोम की, एक ये और एक ये वाली, इसे कहते हैं डबल मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है। 2D में हम ऐसे दिखा रहे हैं इसको, डबल मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म हो जाएगी यहां पर। यहां तक क्लियर है बेटा, इसको हम मेटाफेज वन कह रहे हैं। ये माइटोसिस के मेटाफेज से कैसे अलग है, ये हमने अभी आपको दिखाया भी था बेटा, माइटोसिस के मेटाफेज से कैसे अलग है। माइटोसिस के मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पर दो थ्रेड जुड़ते हैं, इसीलिए उस क्रोमोसोम को बीच में से डिवाइड करते हैं। यहां पर एक क्रोमोसोम पर एक ही थ्रेड है, दूसरे वाला इस पर, ये अभी भी यहां जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए थे। नेक्स्ट, इसीलिए जब हम एनाफेज पढ़ते हैं तो एनाफेज में क्या करते हैं बेटा, देख लो, ये एनसीईआरटी के हिसाब से आप कंपैरिजन देख सकते हो। डायग्राम है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में हमारे पास क्लियर दिखाया हुआ आपको कि ये देख रहे हो, ये मेटाफेज है, इस क्रोमोसोम पे दो थ्रेड है, एक येरा और एक येरा, इस वाले पे भी दो थ्रेड है, ये देख रहे हो। लेकिन यहां पर इस पेयर पे एक थ्रेड ये जा रहा है और एक थ्रेड ये जा रहा है, क्लियर। ऐसे ही इस पेयर पे एक थ्रेड ये रहा, एक थ्रेड ये रहा, तो एक प्ले एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई क्रोमोसोम की, डबल मेटाफिजिक प्लेट। एनसीईआरटी के डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा आपको, और एनसीईआरटी ने यह बात लिखी भी है कि बाइवेलेंट जो है वो खुद को लगा देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, जिसे मेटाफिजिक प्लेट कह रहे हो, ठीक है। और देख रहे हो पेयर पेयर पे जुड़ रहा है, स्पिंडल किस पे जुड़ रहा है, पेयर पे, अपोजिट पोल से। मतलब ये मान लो एक पेयर है, अपोजिट पोल मतलब एक ऊपर से थ्रेड है, एक नीचे से थ्रेड यहां से रखा। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि मैं इस पूरे पूरे क्रोमोसोम को ऊपर नीचे मूव करूंगा, ये मैं करूंगा एनाफेज में, ये मैं किसमें करने वाला हूं, एनाफेज में। देखो ये सिचुएशन है आपके पास, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिचुएशन है। मान लो ये सेल है हमारे पास, ये सेल है, इस पे ये बना रहे हैं सेंट्रोसोम, ये स्पिंडल फाइबर देखो कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, क्लियर। ये ऐसे जुड़े हुए बेटा, है ना, स्पिंडल फाइबर इस तरीके से जुड़े हुए, क्लियर है बेटा, इस तरीके से जुड़े हुए। यहां पर ये अभी भी अटैचमेंट है, ये है ना, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अगर ह्यूमन का होता तो टोटल कितनी लाइनें बनती, ऐसे 23 क्रोमोसोम ऐसे लगे होते, 23 ऐसे लगे होते। अब क्या होगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कैसे, मेरी बात सुनो। देखो ये अभी यहां अटैच है, यहां अटैच है अभी, तो पहले ये अलग होगा, इसके अलग होने को कहेंगे डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाने को कहेंगे सेग्रीगेशन। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ कि अब ये यहां से, ध्यान से सुनो, ये अटैच थे यहां पर ऐसे, तो ये एक दूसरे से अलग होकर पूरा पूरा क्रोमोसोम ऊपर नीचे मूव करेगा। मींस जैसे मान लो ये सेल होता, सेल होने से क्या होता है, ये पूरा क्रोमोसोम, क्योंकि इसको स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना, तो स्पिंडल फाइबर खींच रहा है यहां पर, स्पिंडल फाइबर खींच रहा है यहां पर, देखो कैसे मूव करेगा ये। मान लो हमारे पास यहां पर ये जो चीज है, ये चीज देख लेते हैं, ये ऐसे, तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम देखो, ये वाला नीचे जा रहा है इधर, और ये वाले कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, देखो एनाफेज वन में क्या होगा, मेरे पास ये मान लेते हैं ये ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे मेरे पास ह्यूमन के सेल में 23 पेयर थे, तो ये ऐसे अलग हुआ, इस तरीके से अलग हुआ ये पेयर में से, मतलब दो क्रोमोसोम ऐसे अलग हुए जो नॉन सिस्टर से जुड़े हुए थे, इसे कहते हैं डिसजंक्शन। ऊपर नीचे मतलब, क्योंकि इससे थ्रेड ऊपर था और इससे थ्रेड नीचे था, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ऐसे ही पूरे 23 पेयर के साथ होगा। अगले वाले में हो सकता है इससे थ्रेड नीचे हो, इससे थ्रेड ऊपर हो, तो ये वैसे ही मूव करेंगे। तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम 23 ऊपर 23 नीचे, जिसे हम कहेंगे, हम क्या बोलेंगे बेटा, हम कहेंगे कि सेग्रीगेशन हुई है। तो आप क्या याद रखोगे, कुछ ऐसा देखोगे, ध्यान से सुनना,
आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है एनाफेज में, हमारे पास इस तरीके का कुछ दिखेगा बेटा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलोगस पेयर है, ठीक। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ये इसको देख रहे हैं, ये ऐसे लगा हुआ था। तो अब ये क्रोमोसोम पेयर एक दूसरे से अलग होगा, अलग कैसे होने का क्या मतलब हुआ, ये देखो ये ऐसे है, इसके ऊपर हमारे पास ये रहा, ठीक। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको नीचे, ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्रोमोसोम है पहले तो ये यहां से अलग होंगे, इधर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अलग होने को हम क्या नाम दे रहे हैं, देखो इस पॉइंट से अलग होने को क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, देखो इस चीज को समझो बेटा ध्यान से, ये ऐसे अलग हो गए, ऐसे ऐसे अलग हो गए, देख रहे हो, मतलब पहले ही यहां से अलग हुए। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इसको नाम दे दिया हमने डिसजंक्शन, क्या नाम दे दिया, डिसजंक्शन। अब ये प्रॉपर एक सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ऊपर मूव करेगा, ये ऊपर चला गया और ये वाला हमारे पास क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ गया, मतलब क्लियर है आपके सामने, एक पूरा ऊपर मूव कर रहा है, एक पूरा नीचे। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे बेटा, इसे हम नाम देंगे सेग्रीगेशन, ठीक है, समझ आया। मतलब पहले ऐसे अलग होना, देखो ये अलग हो गए यहां से, ये दोनों नॉन डिस्टर्ब है ना, ये वाले ये ऐसे अलग हो गए, दैट इज डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेग्रीगेशन। इसका मतलब ये क्रोमोसोम इधर चला जाएगा ऊपर, 23 ऊपर 23 नीचे, ह्यूमन के केस में 46 होते तो ये चीज। तो इसे हम कहते हैं एनाफेज वन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एनाफेज वन में क्या होता है इसको समझो ध्यान से। इसमें हम मेंडल का एक लॉ रिलेट करते हैं जिसे आप कहते हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है, जैसे ये वाला, जैसे ये एक पेयर है, फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें ये आर्म्स ऐसे जुड़ी हुई थी, पहले आर्म्स का अलग होना ऐसे, इस डिसजंक्शन ऐसे मूव करना सेग्रीगेशन। मान लो ये फिफ्थ पेयर है, उसके आगे सेवंथ पेयर लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है फिफ्थ के पास सिक्स, तो ऐसा कुछ पेयर रेंडम लगे होते हैं पर पेयर में है। तो मान लो फिफ्थ पेयर डिसजंक्शन हुई, ऊपर नीचे मूव करे सेग्रीगेशन, उसके आगे सेवंथ पेयर है, अब उनमें भी डिसजंक्शन हुई, ऊपर नीचे मूव के सेग्रीगेशन। हम लॉ मेंडल का ये कहता है कि इस पेयर की सेग्रीगेशन, मतलब इनमें से कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, वो इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कहता है। तो मेंडल का लॉ ये बोलता है बेटा, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन के बराबर है। आ रही बात समझ, एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, पर मेंडल ने ये फैक्टर के लिए बोला था, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इस पे फैक्टर लिख देते हैं। जैसे मान लो यहां कैपिटल ए जीन लिख दूं, इस वाले पे स्मॉल ए है, यहां कैपिटल आर लिख दूं, यहां स्मॉल आर लिख दूं, तो अगर ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और ये वाला भी ऊपर जाएगा, तो ए के साथ आर ऊपर आ जाएगी और यहां पर स्मॉल ए के साथ स्मॉल आर। लेकिन अगर ये ए ऊपर जाए और उसके साथ इस आर की जगह स्मॉल आर चला जाए, तो ये आ गया, इसका मतलब ये अलग कॉम्बिनेशन बन गए, समझ पा रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड ना करे, ये मेंडल का लॉ था, पर उसने फैक्टर के लिए बोला था। तो मैं कह रहा हूं कि ए आर भी बन सकता है, ए के साथ स्मॉल आर भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है एनाफेज वन में। यही रीजन है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मेरे पास तीन पेयर क्रोमोसोम के लोग, तो 2^3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर ह्यूमन की बात करो तो कितने पेयर है क्रोमोसोम के 23 पेयर। तो एनाफेज वन में वेरिएशन कैसे आती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से।
कैसे आ सकती है कि अगर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाऊं कितने बनेंगे 2 की पावर 23। ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ समझो। देखो मान लो यहां पर कैपिटल वाई है, यहां स्मॉल वाई है, तो ऊपर कौन कौन जा सकता है? ए आर कैपिटल वाई, हो सकता है ए आर स्मॉल वाई भी आ जाए। ऐसे करते करते 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कितने पेयर की बात करी? 3। 3 पेयर से 8 बनने का मतलब 2 की पावर 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशन। ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? कितने पेयर? 23 पेयर। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 23 टाइप के गैमेट्स बना सकता है एक ह्यूमन। ये है वेरिएशन। तो वेरिएशन दो जगह आ सकती है, एक पैकेटीन में, दूसरा एनाफेज वन में। पर आप एक चीज और यहां पे समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनाफेज वन में, ध्यान से सुनो, एनाफेज वन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा इस बात को। एनाफेज वन में हम क्या कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं हम यहां पे कि एनाफेज वन में हम ये कह रहे हैं बेटा, अगर ह्यूमन का सेल है तो ह्यूमन के सेल में हमारे पास ह्यूमन के सेल में इस तरीके से अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, ऐसे करके हम कितने ही क्रोमोसोम बना सकते हैं, ऐसे कितने पेयर होंगे आप देख रहे हो। इस तरीके से हमारे पास 23 पेयर है ना, ऐसे 23 पेयर लगाऊंगे और सब पे मेरे पास स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ा हुआ है ना, देख पा रहे हो, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है ऐसे, ये क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं एनाफेज वन में क्या होगा, ये ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो अगर ये 23 पेयर होते, अभी तो ये एग्जैक्टली मैंने कितने 5 पेयर है, 23 पेयर होते, तो उसमें से 23 ऊपर और 23 नीचे मूव करते, इसका मतलब ये डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड का मतलब हम ऐसे लिखते थे 2n = 46, 23 पेयर को, तो ये हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, n बराबर में 23। कैसे बन गई ये हैप्लॉइड बन गए? कैसे बन गए बेटा ये n बराबर में 23, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एनाफेज वन में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, 23 ऊपर 23 नीचे ऐसे मूव करेंगे। और इसका अलग होना, इसके अलग होने पर, ऊपर नीचे जाने पे डिपेंड ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। दूसरी ये हो सकता है बेटा, एक डिजीज होती है जिसमें एक, ध्यान से सुनो बेटा, एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कम हो सकते हैं। मान लो ये सारे पेयर ठीक अलग चले गए, मतलब ऊपर यहां से एक एक क्रोमोसोम चले गए और एक एक नीचे आ गए। इस वाले पेयर में ये पूरा का पूरा पेयर ऊपर चला गया। अगर ऐसा ह्यूमन में अगर ऐसा हो तो ऊपर 24 क्रोमोसोम और नीचे 22। जैसे मान लेते हैं ऐसे पूरे 23 पेयर, एक अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, अलग चीज बता रहा हूं, ये बता रहा हूं एन्यूप्लॉयडी क्या होता है। एन्यूप्लॉयडी का मतलब ये है कि मान लो 23 पेयर ऐसे सेंटर में है, उसमें से मेरे पास क्रोमोसोम कम ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। नॉर्मली 23 ऊपर और 23 नीचे मूव करते हैं एनाफेज वन में, है ना, एनाफेज वन में। तो एनाफेज वन में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी रीजन से किस पूरा का पूरा पेयर ऊपर चला जाए, तो 24 और 22 आएगा, मतलब कोई एक पेयर का क्रोमोसोम पूरा ही ऊपर चला गया, तो ऊपर कितने क्रोमोसोम आ गए, 24, नीचे कितने आ गए, 22। तो ये अगर किसी नॉर्मल गैमेट बन जाए, मान लो ये अगर किसी नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो जो जाइगोट आएगा उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएंगे, 47 आ जाएंगे। तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं बेटा आपको कि क्रोमोसोम मूवमेंट एनाफेज वन में होती है, नंबर हाफ होता है। कई बार कोई पेयर पूरे का पूरा ऊपर मूव कर गया, तो इस वाले में से नीचे वाले में 22 क्रोमोसोम, ऊपर 24। तो जब वो उसको चांस मिले नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज करने का, तो वो क्या कर देगा, वो जाइगोट बनाएगा जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो। और इसको अगर चांस मिले फ्यूज करने का, तो ये क्या बनाएगा, ये वो जाइगोट बनाएगा जिसमें कम क्रोमोसोम हो। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉयडी। तो एन्यूप्लॉयडी का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये कब हो रहा है बेटा,
क्रोमोसोम, और ये क्यों हुआ? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब हुआ, याद करो बेटा, नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब है, सोचो। नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे अलग होकर, अलग नहीं हुआ, कोई एक पेयर ऐसे अलग नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा पेयर ऊपर चला गया, ठीक है, वो पेयर नीचे नहीं गया, ऐसे कर लेंगे इसको नॉन डिसजंक्शन को। ये है ना फेज वन के लिए। अब बेटा हमारे पास टीलोफेज वन का मतलब ये है कि मान लो सेंटर में टोटल 6 क्रोमोसोम थे एनाफेज वन से पहले, उसमें से 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे। टीलोफेज वन में क्या होने वाला है, ये वापसी खुल के ऐसे क्रोमेटिड बना देंगे, देख रहे हो दोनों पोल पर ऐसे ये खुल जाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा। यहां पर भी डीकंडेंस हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में पहले कितने थे, 2n था, 2n का मतलब कितने, कितने भी क्रोमोसोम, 6 थे, तो 3 ऊपर आ गए, 3 नीचे। अब वो खुल के उसने क्या बना दिया बेटा, ऐसे क्रोमेटिन बना दिया, और इस क्रोमेटिन को मैं दो अलग अलग न्यूक्लियस में डाल सकता हूं। एक न्यूक्लियस ये है, ध्यान से समझे, एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है, दो अलग अलग न्यूक्लियस में इन्हें रख सकता हूं, समझ आ रहा है। तो ये खुल के वापसी क्रोमेटिन बना देंगे, अलग होने से पहले इन्हें टेट्राड कह रहे थे, अलग होने के बाद इन्हें डायार्ड बोलेंगे। तो मेरे पास ये जो सेल बनेगा ये डायार्ड है। व्हाट इज डायार्ड, देखो अगर ये 7 थे ऐसे तो टेट्राड थे, तो अभी हाफ नीचे आ गया ना, तो इसलिए डायार्ड है, इसलिए क्या है हमारे पास डायार्ड। तो टेट्राड से हमारे पास क्या बन जाएगा, डायार्ड। और आप याद करो नॉर्मल टीलोफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापसी आती थी, ER गॉल्जी बॉडी, तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या क्या होगा बेटा, ER गॉल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस रीअपियर। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, ये चीज समझो ध्यान से, क्लियर, ये चीज समझो, रीअपियर होगा, ये सब वापसी आएंगे और ये खुल जाएगा ना, क्लियर, ये खुल जाएगा, कौन खुल जाएगा, क्रोमोसोम खुल के वापसी क्रोमेटिन बना देगा, तो यहां क्रोमेटिन बन जाएगा और इसे हम डायार्ड बोलेंगे, क्योंकि टेट्राड का मतलब दो क्रोमोसोम एक पेयर, अब पेयर नहीं रहा, हाफ हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, डायार्ड बोल रहे हैं। इतनी चीज मेरे को लग रहा है समझ आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें समझना है यहां पर, सुनो ध्यान से, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मियोसिस वन और मियोसिस टू पढ़ेंगे। अब दोबारा मियोसिस करने, मतलब स्टेप सेकंड क्यों पढ़ते हैं मियोसिस का, क्योंकि मियोसिस वन में देखो हम क्या कर रहे थे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं आपको मैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो बेटा मियोसिस वन क्या कर रही है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, मियोसिस वन इस क्रोमोसोम को इस क्रोमोसोम से अलग कर रही है, मियोसिस टू क्या करेगी, इन सिस्टर क्रोमेटिड को इसको इससे अलग करेगी, मतलब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसको इससे अलग करना है, समझ आ रहा है। तो अगर पहले तो हमें पेयर को अलग करना है मियोसिस वन में, मियोसिस टू में ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है ये और ये, इनको अलग करना है। तो मियोसिस टू इज लाइक माइटोसिस, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, माइटोसिस में भी तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग करते हैं, मतलब मियोसिस इज टू इज लाइक माइटोसिस, जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड इससे अलग करना है। तो मेटाफेज, ध्यान सुने बेटा, ध्यान से सुने इस बात को, मियोसिस वन में पूरा पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग करते हैं, मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड अलग करते हैं, पर एक डिफरेंस है माइटोसिस से। माइटोसिस में क्या होता है, वो सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली सेम होते हैं, पर यहां क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड से सेम नहीं है, आ रही है समझ, क्लियर। आगे देखो एनसीईआरटी एक चीज कहती है बेटा, एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि क्योंकि, ध्यान से देखिए बेटा, देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, ये हमने इस तरीके से बना लिया, ये न्यूक्लियस बना दिए दो, और हमारे पास ये क्या बना दिया यहां पे, क्रोमेटिन बना दिया, अब ये क्रोमेटिन बन गया वापसी। मेरा कहने का मीनिंग ये है, एनसीईआरटी ने बोला ये कब बना, आफ्टर मियोसिस वन,
मियोसिस वन। अच्छा एनसीईआरटी ये बोलती है बेटा कि ये पूरी तरीके से क्रोमोसोम नहीं खुलता, जो क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बना है ना, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में ये पूरी तरीके से नहीं खुलता, क्योंकि मुझे अब मियोसिस टू में क्या करना है, नॉट कंप्लीटली डीकंडेंस। क्यों नहीं खुलता पूरी तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि मियोसिस टू का पहला स्टेप है प्रोफेज टू, तो प्रोफेज टू में आपको डीएनए को फिर बंद करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जैसे टीलोफेज वन में आपने क्रोमोसोम को खोल तो दिया क्रोमैटिन बनाने के लिए, पर पूरी तरीके से नहीं खुलता। रीजन है क्योंकि अगली स्टेज जो मियोसिस टू आएगी उसमें आपको उसे फिर से बंद करना पड़ेगा, इसलिए पूरा नहीं खुलता। एनसीईआरटी इसी बात को लिखती है, नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट जैसे कि वो जीवन फेज में होता था, जीवन फेज में जिसे हम इंटरफेज कह रहे हैं, इंटरफेज में होता था हमारे पास, वैसा नहीं, जैसा इंटरफेज में होता था वैसा नहीं खुलेगा, क्योंकि हम सेल साइकिल में कहां है, देखो हम सेल साइकिल में यहां है बेटा, ये जीवन था एस जी टू, हमने मियोसिस वन कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट कर ली, हम इस गैप की बात कर रहे हैं। यहां पर डीएनए जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, डीएनए पूरी तरीके से नहीं खुलता। दूसरा, इंटरकाइनेसिस में आप क्या डबल करोगे, सेंट्रियोल। रीजन है आपको दोबारा स्पिंडल बनाने, देखो आपने जो सेंट्रियोल डबल किए थे पहले एस फेज में डबल किए थे, एस फेज में सेंट्रियोल डबल किए थे, लेकिन जब वो डबल होने के बाद एक इस सेल में चला गया, एक इस सेल में, अब दोबारा आपको एक एक और सेंट्रियोल चाहिए क्योंकि दोबारा स्पिंडल बनाएंगे। तो इंटरकाइनेसिस में ओनली सेंट्रियोल डबल होता है, क्या डबल होगा, सेंट्रियोल डबल होगा। रीजन है बेटा उसका स्पेसिफिक, क्योंकि हमने क्या किया, सेंट्रोसोम यहां था ना यहां पर, तो एक एक इस सेल में चला गया, तो इसको मुझे अब एक और देना पड़ेगा और इसको तभी दोबारा स्पिंडल फाइबर बनेंगे, तभी हम लोग दोबारा इसमें क्या बना पाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कंडेंस्ड डीएनए, जी टू और इंटरकाइनेसिस? डेफिनेटली इंटरकाइनेसिस। वाई? क्योंकि इंटरकाइनेसिस में पूरी तरीके से नहीं खुलता। दिमाग में बैठाओ इस बात को बेटा, दिमाग में बैठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं प्रोफेज टू की। इंटरकाइनेसिस का मतलब है मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का स्टेज, डीएनए पूरी तरीके से नहीं खुलता। प्रोफेज टू जो है मियोसिस टू का एक पार्ट है, ठीक है। मियोसिस टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू पढ़ेंगे, ठीक। मियोसिस टू इज लाइक माइटोसिस, कैसा है, माइटोसिस जैसा है। तो आपके पास ये दो न्यूक्लियस थे दोनों एंड पर, जिनमें हैप्लोइड क्रोमोसोम थे। अगर ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में क्या होगा बेटा, ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है, 23 इसमें थे, 23 इसमें, और इसने वापसी खुल के थोड़ा क्रोमेटिन बना लिया। तो प्रोफेज खत्म होते होते हमारे पास दोबारा क्रोमोसोम दिख जाएंगे, मुझे यहां पर दोबारा क्रोमोसोम बेटा इस तरीके से दोबारा क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगी। क्लियर। और स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे वो अब ऐसे बनेंगे, आप देखो ऐसे बनेंगे, इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। तो आप एक चीज समझो यहां पर बेटा, एक चीज समझो आप यहां पर कि जो स्पिंडल फाइबर बनाना पड़ेगा वो यहां बनाना पड़ेगा हमें, ये चीज समझ लो ध्यान से, यहां बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो यहां, देखो यहां बनाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये टूट रही है, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ऐसे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, देख रहे हो इस तरीके से, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, ये चीज है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, बाकी वो सारी चीजें होंगी जो माइटोसिस में होती थी डिसअपीयर। और क्या क्या चीजें होंगी बेटा, जो अगर ये बनी थी ये डिसअपीयर, ईआर गोल्जी न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, देख पा रहे हो,
अब ये डबल क्यों किया था मैंने, क्योंकि मुझे अब ऐसे स्पिंडल बनाने हैं, ये समझ आ रहा है? तो मियोसिस टू इज लाइक माइटोसिस, बहुत डिटेल नहीं पढ़नी होती, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो यहां से हम स्पिंडल बनाएंगे, अभी ये टूट जाएगी। लास्ट इवेंट क्या होता था बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना माइटोसिस में, है ना? क्लियर, ये चीज समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से, मेटाफेज टू में क्या होगा, जो सेल मेरे पास है बेटा, मेरे पास ये सेल है, इसमें एक सेंट्रोसोम यहां ऐसे बना हुआ है, आप देख पा रहे हो, एक यहां ऐसे, ठीक है? इससे स्पिंडल फाइबर देखो ये अटैच है ना, देख पा रहे हो यहां पर, ये देखो ये ऐसे अटैच हो गया। और अगर आप इसको कंपेयर करो अब दोबारा से, मेरे पास एक क्रोमोसोम पर टोटल कितने काइनेटोकोर बने, एक यहां और एक यहां, और उस पर मेरे पास ये स्पिंडल फाइबर अटैच है, देख पा रहे हो? एक क्रोमोसोम पे फिर से दो थ्रेड अटैच है, मियोसिस टू इज लाइक माइटोसिस। और अब मैं इनको ऐसे डिवाइड करूंगा बीच में से, ये ऐसे, ये अलग करूंगा इनको ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे मूव करेंगे। जब ये ऐसे मूव करेंगे तो आपको देख रहे हो इसको कैसा दिखेगा बेटा, ये कैसा दिखेगा, हम लोग इस चीज को देख सकते हैं एनाफेज टू में कैसे दिखेंगे। जैसे ये थे हमारे पास, हमारे पास स्पिंडल फाइबर बने हुए थे, ठीक है, क्लियर? एक बार देख लेते हैं फिर से, देखो क्या कर रहे हैं, ये चीज एनसीईआरटी की लाइनें है बेटा, एक सेंट्रोसोम ये रहा, एक पेयर इधर है यहां पर, और इनसे जो स्पिंडल फाइबर बने देख रहे हैं यहां पे, ये इससे, ये ऐसे है ना बेटा, ये ऐसे, इस वाले से। अब ये बीच में से अलग होने वाले हैं, ये देखो, अब इनको बीच में से ऐसे अलग कर दो। तो जब अब इनको आप ऐसे अलग करोगे तो देखो क्या दिखेगा आपको, मान लो ये सेल है हमारे पास, ठीक है, इस सेल में मैंने ये सेंट्रोसोम बना रखे हैं, यहां पे एक सेंट्रोसोम यहां पर है। तो जब बीच में से अलग होगा तो ये इसको खींचोगे तो ऐसे बेंड कर जाएगा, मान लो अलग बीच में से अलग हुआ ऐसे और ऐसे, इसको खींचो इधर तो ये ऐसे बेंड करेगा, तो आपके सामने फाइनली क्या दिखेगा बेटा, देखो ये ऐसे, ये समझ आ रहा है बेटा, क्लियर? तो जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा ना, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था ना कि जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो आर्म्स नीचे बेंड हो जाती थी, तो इसका ये वाला इस तरीके का दिखेगा ये। तो अगर मेरे पास, मैंने ह्यूमन के से स्टार्ट करते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 ऊपर 23 नीचे, मियोसिस टू में 23 इस साइड, 23 इस साइड, 23 इस साइड, 23 इस साइड, ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये 23 होंगे, ये 23 होंगे, ये 23 होंगे, ये 23 होंगे। अब कौन अलग होगा यहां पर, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहा है, कौन अलग हो रहा है हमारे पास, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड हमारे पास क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और टीलोफेज में जैसे मान लो मैं ये चीज आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये इधर पोल की तरफ आ गया, ठीक है, पोल की तरफ आ गया, ये देखो पोल की तरफ आ गया बिल्कुल, और फिर ये वापसी डीकंडेंस होके टीलोफेज टू में चार अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसे आप कह रहे हो अब ये क्या है, क्रोमैटिन, समझ पा रहे हो? टीलोफेज टू में ये चार अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये वापसी खुल के क्या बना देगा, क्रोमैटिन बना देगा। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि वापसी ओपन होगा, वापसी ओपन होगा और क्या बना देगा, क्रोमैटिन, ये आपके सामने है बिल्कुल बेटा। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको फटाफट से, जो हमने बात की, हमने कहा कि प्रोफेज टू में देखो कंडेंसेशन हुई, क्रोमोसोम दिखे, उसके बाद मैंने क्या करा, देखो क्रोमोसोम आप ऐसे लगेंगे, मेटाफेज में हमारे पास वो क्या हुए, देखो कैसे लग गए, इस तरीके से लग गए, है ना, एक स्पिंडल फाइबर देख रहे हो, एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर, एक मेटाफेजिक प्लेट ये है और ये अलग है, दो अलग अलग मेटाफेजिक प्लेट है ये और ये, ठीक, क्लियर? उसके बाद हमारे पास टीलोफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा हमारे पास, देख रहे हो ये बीच में से ऐसे अलग हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट, क्लियर? उसके बाद देखो ये उस पोल पे जा रहा है, उस पोल पे, और ये आर्म्स देख रहे हो ऐसे बेंड की हुई है, क्लियर है ना? अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम इसको डीकंडेंस करके क्रोमैटिन बना रहे हैं, ये देख रहे हो, हाँ, चार अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। तो ये फिनिश कर रहा है आपका ये टीलोफेज टू को। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें साइटोकाइनेसिस करनी है। साइटोकाइनेसिस मियोसिस में दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह की होती है बेटा,
एक साइटोकाइनेसिस, जैसे ये सेल है जिसमें मियोसिस करनी है, ठीक है, इसने मियोसिस वन किया, क्या किया, मियोसिस वन। तो जब मियोसिस वन किया इसने, तो मियोसिस वन के बाद ये दो सेल बन गए, दो न्यूक्लियस वाले। एक साइटोकाइनेसिस होती है जिसे सक्सेसिव कहते हैं। सक्सेसिव का मतलब ये हुआ कि जब मियोसिस वन हमारे पास कंप्लीट हुई, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देंगे बेटा, साइटोकाइनेसिस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, मियोसिस टू करेंगे। देख रहे हो, ये एन है और ये एन है, इसमें मियोसिस टू कर रहे हैं दोनों में। उसके बाद कितने सेल आ गए, कितने न्यूक्लियस आ गए, दो इसमें हो गए, इससे मियोसिस टू हुई। फिर बाद में साइटोकाइनेसिस दोबारा करेंगे। तो ये हमने पहले कर दी थी, ये वाली बाद में करी है, ठीक, क्लियर। इसको कहते हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक। इस वाली में साइमल्टेनियस में क्या करते हैं हम लोग, समझ लो इस बात को, ये पहले मियोसिस वन कंप्लीट करी, देख लो मियोसिस वन कर दी, फिर हमने मियोसिस टू भी कर दी। वन और टू करने के बाद इकट्ठे साइटोकाइनेसिस करी है। साइटोकाइनेसिस में हमेशा याद रखो, मान लो मैंने पहली साइटोकाइनेसिस ये करी वन, दूसरी साइटोकाइनेसिस को आप ऐसे काउंट करोगे, इसे टू काउंट करोगे और इसे थ्री काउंट करोगे, क्योंकि एक बार करते ही ये अलग सेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस के बाद चार सेल फॉर्म होते हैं, और कितनी साइटोकाइनेसिस करते हैं, तीन। ये दोनों के लिए वैलिड है, किसके लिए, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का मतलब मियोसिस वन करो साइटोकाइनेसिस, मियोसिस टू करो साइटोकाइनेसिस। साइमल्टेनियस का मतलब मियोसिस वन करो दो न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मत करो, मियोसिस टू करो, फिर आपके पास कितने आ गए, चार न्यूक्लियस। क्लियर है, बताओ क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, मियोसिस वन और टू कैसे हम करते हैं, इसे क्लियर रखना है इसे बेटा हमने, ठीक है, क्लियर। हम कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं सिग्निफिकेंस की मियोसिस की। मियोसिस में एक लाइन लिखिए, पर से पैराडॉक्सिकली, अगर आप ध्यान से समझो, मियोसिस नंबर हाफ करती है पर नंबर मेंटेन करने के लिए, हाफ इसलिए कर रही है ताकि नंबर मेंटेन रहे। तो मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन हो रही है नंबर की, क्रोमोसोम नंबर की, क्लियर। सेक्सुअली में इसमें कह रहा है, ये अजीब लग रहा है कि वो नंबर तो हाफ कर रही है पर उससे नंबर मेंटेन रह रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशन दो जगह आती है, एक आती है पैकेटीन में, दूसरा आती है हमारे पास एनाफेज वन में, दो जगह वेरिएशन आती है बेटा, क्लियर। वेरिएशन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर सकते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आया था एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी नाम था होता है उसका, वो काम किसमें करता है, एनाफेज में। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली उनको अलग करता है क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम विल नॉट, अगर वो काम नहीं करेगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव, काम ना करे, तो क्रोमोसोम बीच में से अलग नहीं होंगे। मतलब क्रोमोसोम को खींचने का काम तो स्पिंडल फाइबर का अपोजिट पोल पे, पर उनको बीच में से तोड़ने का काम इसका है एपीसी का। ये काम नहीं करेंगे तो क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, माइटोसिस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहां होती है भाई, पैकेटीन, ठीक है, आपके सामने है बेटा क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट है, एंजाइम रिकॉम्बिनेस कहां यूज किया हमने, पैकेटीन, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द सेम फीचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कहां हुआ था, कहां स्टार्ट हुआ था, इनिशिएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में, ये आ जाएगा बेटा, प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेज कहां आएगा, प्रोफेज वन के पैकेटीन में, ये आएगा, क्लियर। उसके बाद साइनेप्सिस कहां होती है बेटा, साइनेप्सिस होती है होमोलोगस पेयर में, तो कहां है हमारे पास, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रहा, ठीक है। और देख लो, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज मियोसिस वन, जिसमें डिप्लोटीन काफी बड़ा होता है, तो हमारे पास आ जाएगा मियोसिस वन का, सॉरी प्रोफेज वन, ये आंसर है, जिसमें डिप्लोटीन काफी बड़ा होता है, ठीक है। कैजमेटा कहां दिखता है भाई हमें, डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन कहां होता है, प्रोफेज वन में, ठीक है, क्लियर। ये चीज समझ आ रही है बेटा, तो आप क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं जो प्रॉपरली आपका है,
कोशिश करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि उसमें कुछ डाउट था असेंबली को लेके, क्लियर? ऐसे हर साल एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें टीचर्स को मतलब वो रहता है, तो वन और थर्ड में से वन में ज्यादा स्टेप थे, वन आंसर आएगा उसका, ठीक है, उसको आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और उसकी डिटेल। शेड्यूल फॉलो करो, प्रॉपरली करो, आपको आ जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।